हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडु सेंटर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर पढ़ा था, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला को किस तरह से यूज करेंगे, ये हमने क्या किया था पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे और इससे देखो इस फॉर्मूला से रिलेटेड मतलब कि इसको कैसे यूज करेंगे ये समझाए थे और नॉर्मल सा क्वेश्चन दिए थे। और मैंने ये भी कहा था कि जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हाई करेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे, जिससे आपको क्या हो बाकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में कोई दिक्कत ना आए। तो देखो अब क्या करते हैं, इसमें हम क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और वहाँ सॉल्व करके हम देखते हैं, फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू ए माइनस ए स्क्वायर। देखो ये एक क्वेश्चन है जो दिया हुआ है। अब हम तुमको बोले थे कि देखो होता क्या है कि सबसे पहला काम हमको होता है कि कैसे भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर उसको लेके चला है। ये बात हमेशा आपको याद रखना है कि हमको इसी फॉर्मूला में ले आना है। अब ये तो यहाँ है नहीं, तो हम आपको ये भी कहे थे कि क्या होगा कि आपको ऐसा नहीं है कि सजा के एकदम थाली में दे दिया रहेगा कि तुम बस उसको ऐसे उठाओ और वो तुम्हारा काम हो गया। क्या होता है, बिखरा बिखरा रहता है तो उसको अपने से करना पड़ता है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, तो ये तो आपका एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ देखो कोई चीज़ कॉमन दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो चुपचाप क्या करो, ले लो उसको। हम बोले थे ना कि जहाँ भी कॉमन दिखेगा सबसे पहले हम ले लेंगे कि पहले मेरा कॉमन लाओ, तुम उसके बाद जो करना है करो। तो हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिए, तो यहाँ हो जाएगा वन प्लस टू ए प्लस ए स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला होता है देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस, ये सब तुम याद कर लिया करो, हमेशा यूज होता है। तो इसको तुम क्या करोगे, ये हो जाता है आपका ए प्लस वन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। कैसे होता है तो देखो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो अब ये हो गया ए स्क्वायर, और इसको देखो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आ गया हमारे फॉर्मूला पर। अब हम क्या बोले थे कि जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा, बोले थे ना कि जो भी ब्रैकेट के अंदर उन दोनों को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है x और यहाँ ब्रैकेट के अंदर है a प्लस वन, तो x में a प्लस वन को एक बार जोड़ेंगे और फिर से x में एक बार a प्लस वन को घटाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया x प्लस a प्लस वन, और यहाँ हो गया x माइनस a माइनस वन, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम क्या करेंगे हर क्वेश्चन में इसी तरह पहले उसको सिस्टम पर लाएंगे और तब क्या करेंगे तोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करके, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं इरेज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है सेकंड में वन प्लस टू ए बी वन प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पहले ब्रेक ही कर देते हैं, वन प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको वन और इसको माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी करते हैं। अभी भी काम नहीं हुआ तो इसको देखो, इसको तो पहले हम लिख सकते हैं वन का स्क्वायर माइनस, यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे। तो जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो सब साइन अपने आप पलट जाता है, यानी माइनस प्लस में हो जाता है और प्लस माइनस में। ये बात याद रखिएगा कि जैसे ही माइनस को हम कॉमन लिए, जैसे ही माइनस को कॉमन लेंगे बाकी का साइन पलट जाएगा, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में हो जाएगा। तो माइनस जब कॉमन लिए तो ये माइनस था, तो ये हो जाएगा प्लस में ए स्क्वायर प्लस, ये भी माइनस था तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी माइनस आपका क्या हो गया प्लस में हो गया बी स्क्वायर, और ये प्लस था ये क्या था आपका प्लस था, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा माइनस टू ए बी, ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे तो देखो ध्यान से, अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये जो फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है, ये हो गया आपका वन का स्क्वायर माइनस, ये आपका फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी आपका हो गया ए स्क्वायर और ये आपका फिर से देखो उस फॉर्मूला पे आ गया। अब हम क्या बोले थे, फिर से जो बात बोले थे उस पे आओ कि हम क्या करेंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा उसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है वन है, तो वन में एक बार क्या करेंगे ऐड करेंगे ए माइनस बी को, और उसी और फिर से एक बार वन में क्या करेंगे माइनस करेंगे ए माइनस बी को। अब यहाँ से हो जाएगा आपका वन प्लस ए माइनस बी, और यहाँ से हो जाएगा वन माइनस ए, और ये माइनस 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 हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि आपका हो गया वन प्लस ए माइनस बी
और वन माइनस ए प्लस बी, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस ऐसे ही काम करना। हम क्या किए थे, ऐसा नहीं था तो इसको पालें, और ये तरीका तुमको सोचना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं कॉमन सेंस, ये यूज करना पड़ेगा। सीखोगे कैसे कॉमन सेंस, तो सबसे पहले तो कंजूसी छोड़ना पड़ेगा। कंजूसी मतलब ये नहीं कि बाहर खाने पीने का बोले, नहीं, कॉपी का बर्बादी का। बहुत हम देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होता है कि डरता है कि मेरा कॉपी का पेज बर्बाद हो जाएगा। इतना याद रखना कि जो स्टूडेंट अधिक कॉपी बर्बाद करता है, अधिक लिखता है, वही अधिक सक्सेसफुल होता है। तो ये तुमको करना क्या है, एक पेज में उसको क्या करोगे, बनाओगे, नहीं आएगा तो उस कॉपी को फाड़ना नहीं है, उस पेज को पलट देना है, फिर से सेकंड पेज में उसको प्रैक्टिस करेंगे, सेकंड नहीं होगा थर्ड में करेंगे, फिर भी नहीं बनेगा तब जाके सर से पूछेंगे, लेकिन खुद से पहले चार बार कोशिश करेंगे। एक कहावत है कि जो मेरे सर कहते थे, मेरे जो हम जिनसे मैथ पढ़े वो बोलते थे कि किसी भी क्वेश्चन को इतना बनाओ कि वो क्वेश्चन भी याद रखे कि हाँ किसी के पाले पड़े थे, और तुम भी याद रखो कि हाँ हमको कोई क्वेश्चन मिला था। तो इस तरह से पहले किसी क्वेश्चन को बनाओ, ना बने तो फिर हमसे पूछो, हम किस लिए, हम तो बताने के लिए हैं, हम तो तुमसे कह रहे हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होता है, आप वहाँ से क्वेश्चन पूछो। हम आपको अगर ना रिप्लाई दे तो कहो कि हाँ सर आप बोलते हैं, रिप्लाई नहीं देते, लेकिन आपको रिप्लाई मिलेगा, जवाब में मिलेगा। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन जो भी है तो इसको कोशिश करोगे। ये तभी करोगे जब अपना से बना के बार बार प्रैक्टिस करोगे, दो तीन बार। अब एक बार वीडियो देख लिया, फिर से कोशिश करना। घर पर क्या करना कि एक सिर्फ क्वेश्चन लिखना और उसको अपने से कोशिश करना कि सर कैसे कैसे किए थे, याद करने का कोशिश करना। ना याद रहे तो फिर से वीडियो देख लेना। क्लियर है? अब देखें हम नेक्स्ट वीडियो। इसको अब हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थर्ड क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस 4। अब देखो, अब कहोगे सर आप तो बहुत बड़े, मतलब कि हमको घनचक्कर जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें पढ़ दिए। अब ये मान लो एक्स के पावर 4 है, तो तुम कहोगे चलो सर हम इसको तो एक्स का ऐसे लिख दिए, अगर 4 का बात करें तो इसको भी कर दिए, लेकिन अब इस प्लस को क्या करें। ये तो आप बोले थे कि यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो क्या मिटा के माइनस लिख दें, नहीं ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपल सा बात है, एक बात बताओ हमको, अगर हम बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो देखो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। अगर ये दोनों फार्मूला का बात करें तो ये होता है या नहीं होता है, या फिर अगर हम बात करें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से देखो तो ये क्या है, ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, हमको घट क्या रहा है, यही ना घट रहा है, यही पोर्शन घट रहा है। उसमें भी तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस 2, और ए के जगह पर तो देखो यही ना चीज़ होता है, तो 2x² × क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो जब कोई भी चीज़ एक बार जोड़ेंगे, ये बात याद रखना, जब भी मैथ में कोई भी चीज़ को एक बार जोड़ेंगे तो उसको घटाएंगे भी, गुना करेंगे तो भाग भी करना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो घटाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करना पड़ता है, अगर मैथ में अगर जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं घटाना पड़ेगा, अगर कहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको डिवाइड करना पड़ेगा, मेंटेन तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम कर दिए प्लस, तो यहाँ हम करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x² × 2। अब देखो, अब ये जो पूरा है, ये पूरा जो सिस्टम है, ये आपका आ जाएगा किस पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, वो आपका हो जाएगा 4x². क्लियर है? ये देखो, ये था x का पावर 4, क्या था, x का पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 2 × 2, और इसको लिखेंगे x का पावर 2 और इसका भी पावर 2, ऐसे हम उसको चेंज किए हैं। तो इसको कर दिए x के पावर 2 का पावर 2 प्लस 4 को तो 2² लिख सकते हैं, ये तो पता होना चाहिए। अब हम क्या कि अपने आप से ये 2ab ऐड कर दिए, हमको पता कैसे चलेगा कि क्या यहाँ लिखेंगे कैसे x² और 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये चीज़ 2 अपने से लिखेंगे, ये 2 जो है ये 2 अपने मन से लिखे, ये क्या है, अपने मन से मन किया कि हम यहाँ 2 लिखें, हमको मन किया कि हम यहाँ 2 लिखें, 2 लिख दिए। उसके बाद एक यहाँ से उठा के यहाँ x² रखें और एक ये 2 को उठा के यहाँ 2 रखें। अगर यहाँ p होता तो यहाँ भी हम p लिखते, यहाँ q होता तो यहाँ भी हम यहाँ क्यों लिखते हैं, यहाँ 6 होता तो यहाँ हम 6 लिखते हैं। तो ये जो बाकी 2 लिखे हैं, इन दोनों को देख के लिखे हैं, मतलब कि उसको बोलते हैं ना कि कॉपी किए हैं। क्लियर है? और जो चीज़ यहाँ लिखे हैं उसी चीज़ को घटा दिए हैं। अब ये आपका हो जाएगा 4x². अब देखो, ये हो जाएगा x² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, ये 4x को देखो, 4 को लिख सकते हैं, देखो ये ऐसे लिख सकते हैं 2² × x². अब देखो, ये भी अभी आगे लिख सकते हैं x² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको लिख सकते हैं 2x² होल स्क्वायर।
अब वही चीज़ आ गया कि जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा उन दोनों को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस टू, उसमें से एक बार टू एक्स को घटाएंगे और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस टू में से टू एक्स को जोड़ेंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और भी देखो क्वेश्चन आएगा वहाँ देखोगे तो अपने आप समझ में आपको आ जाएगा। ये प्लस वाला थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तुम फिर समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। फिर से देखो वही प्लस वाला झमेला, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर को तो ये लिख ही सकते हैं प्लस फोर बाई एक्स को, तो फोर को हम क्या लिख सकते हैं, फोर को लिख सकते हैं टू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं टू बाई एक्स का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दो अपने मन से, ये किससे किए हैं, अपने मन से, हमको मन किया कि यहाँ हम दो लिखेंगे, लिख दिए। अब क्या करेंगे, एक चोरी यहाँ से करेंगे एक चोरी यहाँ से करेंगे, तो यहाँ एक्स था तो यहाँ x लिखेंगे और यहाँ 2 बाई एक्स था तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 बाई एक्स। अब जो चीज़ यहाँ लिखे हैं वही चीज़ वहाँ रिपीट करेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे 2 इंटू एक्स इंटू 2 बाई एक्स, वही काम x। अब इसको काटो मत, इसको रहने दो, ठीक है। अब देखो इन दोनों को काट सकते हो, इन दोनों को काट दो, कोई दिक्कत नहीं। ये अब टोटल जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये फॉर्मूला आपका हो गया x प्लस 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा आपका 4। ये x x तो कट गया, 2 2 जा 4, यहाँ काट सकते हो, इसको नहीं काटना है, ये थोड़ा प्रायोरिटी देंगे उसको, ठीक है। अब देखो ये 4 को हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब फिर से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ब्रैकेट में जो भी आए उन दोनों को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो यहाँ x प्लस 2 बाई एक्स है तो x प्लस 2 बाई एक्स में 2 को एक बार जोड़ेंगे और x प्लस 2 बाई एक्स में 2 को एक बार घटाएंगे, आ गया आपका आंसर। तो बस सब में ऐसे ही करना है, इस बात को समझना है कि जो भी दिया रहेगा जब भी प्लस वाला बात होगा, जब भी प्लस वाला बात होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, तो इसलिए टू अपने मन से और इन्हीं दोनों को कॉपी करके यहाँ लिख देंगे और जो भी चीज़ यहाँ होगा उसको क्या कर देंगे, रिपीट करके घटा देंगे। क्लियर है? अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये फॉर्मूला हो गया x प्लस टू बाई एक्स, इतना छोटा हो गया और फिर ये भी हो गया। अब उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर उसको क्या किए, सेट कर दिए। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 कि x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4। देखो इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ आपका x का पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर से प्लस ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। एक बात बताओ, अगर यही चीज़ यहाँ दो रहता तो ये तो फॉर्मूला पे आ जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ेंगे और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर घटाएंगे। क्यों, क्या किए, तो इसको और इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो एक और एक मिल के क्या हो जाएगा, दो। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर से आ गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसको और इसको ऐड कर देना है, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अभी इसको लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर, फिर से आ गया हमारे फॉर्मूला पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जो भी ब्रैकेट के अंदर है उन दोनों को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो दोनों को क्या कि एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, ये आपका
हो गया। तो आज का वीडियो में बस इतना ही रहेगा। इसको क्या होगा, एक बार देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखिएगा, और जो बात कहा जा रहा है इसको आराम आराम से देखो। जब भी वीडियो देखो तो ऐसा कोशिश करो कि कहीं दूर अलग हट जाओ, सब फैमिली वगैरह से अलग बैठ के इसलिए देखो। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो कंसंट्रेशन जब तक नहीं लगाओगे, अगर ऐसे सोचे कि दो मिनट उधर वीडियो देख लें तो थोड़ा फैमिली का भी बात सुन लें और वीडियो भी देख लें, तो तुमको समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि एक छोटा सा भी लाइन छूटेगा ना तो बहुत चीज़ छूट जाएगा, ये बात का ख्याल रखना। तो इसलिए क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि एक शांति से बैठ कर इसको क्या करना, टोटल वीडियो देखना। और फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आगे कहोगे तो अगर देखो किसी चीज़ में अगर तुमको डाउट होगा तो तुम उसको बताना, हम उसको क्या कर देंगे, आपका सोल्यूशन दे देंगे। और आप ये भी हमको बताना कि एक्सरसाइज 3B का सोल्यूशन चाहिए या फिर कहीं कहीं से जो जो तो हमको लगे कि हाँ तुमको तकलीफ हो रहा है वो चीज़ सिर्फ बता दें, क्लियर है। और अगर ऐसा होगा तो थोड़ा बहुत बता देंगे जो जो हमको डाउट लगेगा, और फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तो ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।